और हम इस वक्त थानेसर विधानसभा के बीच में खड़े हैं। हमारे हमारे बीच में यहाँ पर ऑडियंस है, लोग हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि लोगों के रुझान क्या हैं। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? रामपाल। रामपाल जी, कौन सा गाँव है आपका? रामसण माजरा। आपने विधानसभा हल्का कौन सा है? जिला कुरुक्षेत्र। विधानसभा हल्का कौन सा आपका है? विधानसभा बैंड बबेन। क्या पोजीशन लगती है आपको यहाँ पर? बढ़िया लगता है। कौन सी पार्टी आगे जा रही है जी? भाजपा आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रामपाल सैनी। रामपाल सैनी जी ने भाजपा को समर्थन किया है, और हम आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल, नाम क्या है आपका? पूजन चंद। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम तो जगाधरी से आए। जगाधरी से। तो क्या पोजीशन लगता है आपको इस एरिया में किस पार्टी का? हमें तो बीजेपी से लेंगे। बीजेपी। इन्होंने भी बीजेपी को कहा। ऐसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, लोगों के बीच में पूछते रहते हैं कि लोगों के रुझान क्या हैं। और हमारे बीच में एक, क्या नाम है बेटे आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, कौन सा गांव है आपका? गांव बीर बडालवा है, निगदू है जी। गांव बीर बडालवा जिला करनाल में है। जिला करनाल में। आपका विधानसभा हल्का कौन सा पड़ता है? नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी में क्या पोजीशन लगती है आपको किसी भी पार्टी की? क्या रुझान लगता है हरियाणा में जो इलेक्शन आ रहे हैं वहाँ पर, क्या रुझान हो सकता है? कौन सी सरकार आ सकती है वहाँ पे? मिक्स ही रहेगा जी। मिक्स ही रहेगा। फिर किसके चांस लगते हैं एमएलए के इस बार? किसको बना के भेजोगे? देखो अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, अभी टाइम है, 5-10 दिन का टाइम है उसके हिसाब से। फिर भी मौजूदा स्थिति के अंदर जैसे आप भी लोगों को मिलते होंगे ना? स्थिति में अभी तो कबीरपंथी की स्थिति मजबूत है। कबीरपंथी जी कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से। नीलोगढ़ से बीजेपी की बात की। अब हम आगे चलते हैं। क्या, नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? सर विनोद कुमार। विनोद। विनोद जी। विनोद जी, कौन से गांव से बिलोंग करते हो? मैं शहर, मैं कुरुक्षेत्र ही करता हूँ। कुरुक्षेत्र 13 सेक्टर। यहाँ पर आपके अशोक रोड़ा जी खड़े हैं कांग्रेस से, सुभाष हुड्डा जी बीजेपी से खड़े हैं, और अपने प्रवीण चौधरी जी खड़े हैं। तो आप कैसे, किस, क्या लगता है कुरुक्षेत्र इस बार जनता क्या मन बनाया कर जनता ने? भाजपा की लग रहा है प्रावधान यहाँ पे ज्यादा, भाजपा वालों को लग रहा है थोड़ा। जो भाजपा वालों को लग रहा है। अब हम आगे चलते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? मोबाइल छोड़ दीजिए एक मिनट। सावन है। सावन। सावन। सावन, आपको कौन सी जगह से बिलोंग करते हो आप? कुरुक्षेत्र लोकल ही। कुरुक्षेत्र लोकल। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको इस वक्त की क्या पोजीशन लग रही है कुरुक्षेत्र की, जो मौजूदा स्थिति है इस बारे में, क्योंकि फ्यूचर के अंदर परिस्थिति बदल भी सकती है। दोनों बराबर है, कांग्रेस और बीजेपी। कोई कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर हैं। तो आप जो आप मौजूदा विधायक है, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हो? हाँ ठीक है, मतलब इतना भी नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि मैं काम अभी कुरुक्षेत्र में बहुत हैं जो होने चाहिए। सावन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम आगे चलते हैं। ताऊ जी हरियाणवी वेशभूषा के अंदर खड़े हैं हमारे बीच में। ताऊ जी, सबसे पहले आपको राम राम। तो आपका गांव कौन सा है? दियांगला, लाडवे के पास है जी। लाडवे की तरफ। तो लाडवे की पोजीशन क्या लगती है, क्योंकि लाडवा में आपके सैनी साहब हैं, एमएलए है ना, पवन सैनी है। तो क्या लगता है आपको रुझान, आप गाँव में भी लोगों में जाते होंगे, लोगों में विचरते होंगे, लोग आपसे बात करते होंगे, तो कैसा लगता है आपको? भाई पवन सैनी का, इसका दूसरा कांग्रेस का दुनिया टकराव, पवन सैनी का और जो कांग्रेस वाला नहीं है दूसरा, ये क्या नाम, कांग्रेस का जो टिकट मिला जिसने, अच्छा, इन दोनों का टकराव हुआ हमारे सीट पर। जजपा ने लो इनका और कुछ नहीं आपको? अच्छा अच्छा, जो मौजूदा आपके एमएलए पवन सैनी, उनके काम को आप 10 में कितने नंबर दोगे? 10 में तो 8 नंबर है उसके। अच्छा, काम तो 8 नंबर है 10 में से। तो लगता है कि आपको फिर बीजेपी आपके हिसाब से बाजी मार सकती है लाडवा के अंदर? महाराज जी। तो देखिए, आपने, इन्होंने, ताऊ जी ने स्पष्ट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी लाडवा के अंदर द्वारा से फिर विजय मार सकती है। और हम आगे चलते हैं, आगे चलते जाते हैं। आइए मेरे साथ बस के अंदर। अब हम बस के अंदर चलते हैं। बस के अंदर लोगों का क्या रुझान है, इनके बारे में पता करते हैं कि किस तरह से स्थिति है इलेक्शंस की। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है बेटे आप? रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा जी, आपका गाँव कौन सा है पहले बताना? पुंडरी में है जी, गांव बदना आ रहा है पुंडरी में। तो पुंडरी में क्या पोजीशन लगती है इलेक्शन की, क्योंकि दिनेश कौशिक जी भी खड़े हैं, आई थिंक इंडिपेंडेंट खड़ गए हैं। तो क्या लगता है पुंडरी की स्थिति क्या होगी इलेक्शन की? उसके बारे में दिनेश कौशिक बन सकता है, नरेंद्र के भी रुझान है, शायद दो के ही अभी तो, बाकी दिनेश के बारे में क्या सकता है। तो ये हमारे बीच में थे, इन्होंने बताया कि पुंडरी की स्थिति है जो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दिनेश कौशिक जी के बनने के द्वारा से चांस बहुत हैं। और हम आगे चलते हैं। कौन सा ये आपका? क्या लगता है जगाधरी की पोजीशन क्या लगती है इस बार? दो के मुकाबला फूल का और हाथी का। फूल और हाथी का, इन्होंने फूल और हाथी का मुकाबला कह दिया। हम आगे चलते हैं। के सभी शहर के युवा स्टूडेंट बैठे हैं, युवा इस इलेक्शन को किस दृष्टि से देखते हैं, हम इनके बीच में जाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्या शर्मा। दिव्या। दिव्या, कौन सा गाँव है आपका? भूस्तला। ये हल्का कौन सा पड़ता है? कुरुक्षेत्र। आपकी पहले वोट बनी हुई है? नहीं सर, अभी।
अभी बनाई है, चले तो वो अच्छा होगी। जो फर्स्ट टाइम बच्चे वोट डाल रहे हैं वो सरकार को किस दृष्टि से देखते हैं, वो सरकार को जो सरकार कह रही है कि हमने फैसिलिटीज दी है, वो कुरुक्षेत्रा के जो पहली बार वोट पाएंगे वो किसी देते हैं। बेटे क्या लगता है इस बार, पहले सबसे पहले आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? पता नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे में जो कहते हैं बीजेपी को भी वोट पाएंगे लेकिन पता नहीं क्यों पाएंगे, पता नहीं है, शायद ये बचाना नहीं चाहते। और हम इससे आगे इन बच्चों के आगे जाते हैं। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? तमन्ना। बेटे वोट बन गया आपका? अच्छा, वोट नहीं बना अभी, बना नहीं। अच्छा, आपका बेटे क्या नाम है? अच्छा, नहीं बना वोट। चलो हम आगे चलते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आगे। राजेश जी, राजेश जी कौन सा गांव आपका? पिपली, हल्का लाड़वा। हल्का लाड़वा। लाड़वा के यहाँ पर बहुत लोग मिल रहे हैं, और क्या लगता है लाड़वा में कंपटीशन पवन सैनी जी हैं, और कैसे लगता है कि आपको इस बार पवन सैनी जी बनेंगे? पवन सैनी जी क्यों बनेंगे ये बताना। मोदी लहर से बनेंगे। उनके कौन से डेवलपमेंट है जो जिसके कारण आप उनको वोट देना चाहते हो? हम तो सिर्फ मोदी जी की फेस वैल्यू को देना चाहते हैं, बीजेपी को वोट। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि हम मोदी लहर को, मोदी जी को वोट देंगे, हमें किसी एमएलए से कोई उनको नहीं है लेकिन मोदी को वोट देना चाहते हैं। मोदी वेव यहाँ पर पूर्ण रूप से साफ दिखाई दे रही है। अब हम आगे चलते हैं इन बच्चों के प्रति, जो बच्चे खा पी रहे हैं यहाँ पर। और बेटा क्या हाल चाल है? ठीक है जी। क्या नाम है बेटे आपका? सचिन है जी। सचिन कौन सा गाँव है? पानी पत्थर जी, खंदरा गाँव से। हल्का कौन सा पड़ता बेटे? इसराना पड़े जी। इसराना। अच्छा, अब क्या लगता है इसराना में आपको कि कौन सी पार्टी आगे आएगी? पहले आपकी वोट बना हुआ है? हाँ, बन रही जी वोट तो। पहली बार डाल रहे हो कि कब डाल रहे हो? पहली बार डाल रहे हैं। चलो, पहली बार बच्चे बहुत ही देखा होगा, पहली बार जो बच्चे वोट डाल रहे हैं उनमें कितना जोश है, मंग है, लेकिन वो किस पार्टी को चुनेंगे ये बहुत बड़ी बात है। बेटा क्या लगता है? जी हमारी साइड तो, लेकिन ऊपर तो बीजेपी की सरकार अच्छी है जी, नीचे अच्छी सरकार नहीं है जी। और साइड हमारे वो कृष्ण लाल पवार है जी, वो बनते हैं जी, 5 साल बन रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया जी आज तक, 5 साल हो गए। तो अब की बार उसको कांग्रेस का सर नाम नहीं पता सर, वो खड़े हैं, उनको वोट देने सोचते हैं सर। तो देखा, इन्होंने ये कहा, बच्चों ने ये कहा जो पहली बार पा रहे हैं कि बीजेपी की ऊपर की सरकार बढ़िया है, जो नीचे सेंटर की सरकार बढ़िया, जो नीचे वाली सरकार वो ठीक नहीं है। और अपने मौजूदा एमएलए मंत्री सिंह राज जो फर्स्ट टाइम वोट पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कांग्रेस को वोट पाएंगे। तो हम आगे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अमन। अमन कौन सा गाँव? खंडरा गाँव। हल्का? इसराना। ये भी तो तुम भी अपने दोस्त की तरह को, तुम्हारे विचार अलग है। सेम है जी। तो इसके अमन के विचार भी अपने दोस्त की तरह, ये फर्स्ट टाइम बच्चे वोट डाल रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम जो बच्चे वोट डाल रहे हैं आपने देखा होगा कि ये बच्चे किस जोश के साथ। लेकिन बेटा वोट जरूर जान डालना आपने। हाँ, बेटा क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू कौन, वोट बन गया आपका? हाँ जी। कौन सा गाँव है आपका? इंद्री। इंद्री। तो इंद्री में क्या पोजिशन लगती है आपको? पहले आपके करणदेव कंबोज थे एमएलए, वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया रादौर में, अब क्या लगता है यहाँ पर? मुझे तो यही नहीं पता कि किस किस को वोट मिली हुई है, किस किस को टिकट मिली हुई है, अभी तो मेरे को कोई पता नहीं। वोट तो डालोगे? वोट मैंने जरूर डालना है। तो आपको एक एक स्टूडेंट का एक अपना पर्सनल व्यूज होता है, व्यूज होते हैं, तो वो क्या लगते हैं आपको हरियाणा में कौन इंद्री में कौन सशक्त है उम्मीदवार? उम्मीदवार का ही तो नहीं पता ना मुझे। अच्छा, इनको उम्मीदवार का नहीं पता, लेकिन बेटे वोट जरूर डालना। और हम आगे चलते हैं, आइए भाई साहब। ये भाई साहब ही, हाँ जी। तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, आज हम कुरुक्षेत्रा के थानेसर विधानसभा हलके में खड़े हैं, और यहाँ की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या है हम आपको बता रहे हैं। और हम खड़े हैं महाराणा प्रताप चौक पर, जो यहाँ शहर का सबसे व्यस्तम चौक है, और हमारे बीच में कुरुक्षेत्रा के थानेसर के जनता खड़ी है। जनता का व्यूज क्या है आज हम उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम बुधराम है जी। बुधराम जी, यहाँ पर थानेसर हल्का आपका? हम तो यहाँ थानेसर हल्का। तो यहाँ से आपके अशोक रोड़ा जी खड़े हैं कांग्रेस से, और साथ में सुभाष सुधा जी खड़े हैं, और प्रवीण चौधरी जी खड़े हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है इस बार? हमको तो यही लगता है जी, हमारे तो पुराने नेता जो सुधा जी हैं, जो मोदी की तरफ से खड़े हैं, हम उन्हीं के साथ खड़े हैं जी, सब लोग उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं सभी जगह। तो आपको ये लगता है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा से विजय हासिल करेगी? हमारा मन है जी, पूरा जोर लगा रहेंगे मन तन धन से। क्या कारण है आपको सुधा जी के अंदर, क्या चीज़ दिखती है? कई चीज़ें जो कई सालों से रुकी पड़ी थी जी, वो जो है ना अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ने के लिए कदार पे खड़ी हैं, जो पुराने रुके साल थे 20 साल पुराने, वो बढ़ते जा रहे हैं, काम बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। कुछ काम ऐसे रुके थे वो अपने प्रधानमंत्री। आप अपने एमएलए को 10 बजे कितने नंबर दोगे? हम तो 9 देंगे जी उनमें। तो देखा, इन्होंने बुधराम जी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर सुभाष सुधा जी भारतीय जनता पार्टी ही विजय होगी। और हमारे विजय, बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, आप कौन सी जगह से हो?
मैं कुरुक्षेत्रा से ही हूँ। कुरुक्षेत्रा कौन सा हल्का कौन सा आपका? यही कुरुक्षेत्रा थाने सर। अच्छा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से ना सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे बोलते हैं कि सुभाष चुदा अरोड़ा जी ये सब एक तरह से चोर ही हैं। अच्छा। जैसे मुझे इन सब में जो अच्छा कैंडिडेट लगा वो है प्रवीण चौधरी जी। क्या कारण है प्रवीण चौधरी का? जो प्रवीण चौधरी जी देखिए वो चार बार राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त किया उन्होंने और आज तक उनकी बेदाग छवि है। कोई भी इंसान उनको ये नहीं बोल सकता कि आपने यहाँ घोटाला किया है। चार साल तक उन्होंने जिला परिषद में भी काम किया है तो और उनका जो मिलनसार छवि है जैसे अरोड़ा जी हैं और सुभाषुदा जी हैं ये सब एक व्यापारी वर्ग है और इन्होंने सिर्फ बिजनेस करना है। अब देखो ये आप गटका पड़ा हुआ है सब कुछ फैक्ट्रियाँ उन्हीं की हैं सब कुछ ब्लॉक उन्हें किए हैं दोबारा सड़कें सिर्फ और सड़कें और तो आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे हिंदुस्तान में मोदी भी अब चल रही है कि यहाँ पर मोदी भी अभी चल सकते क्योंकि कल यहाँ पर प्रधानमंत्री भी एक दो दिन में आ रहे हैं? जी देखिए मैं मोदी जी के बिल्कुल साथ हूँ। जो मोदी जी की नीतियाँ हैं ना वो ये सुधा जी आगे नहीं बढ़ा रहे। सिर्फ क्या नालियाँ और सड़कें ही रह गई हैं विकास के लिए। यहाँ पर कोई भी नई फैक्ट्री नहीं आई है कुरुक्षेत्र के अंदर। कोई भी रोजगार से रिलेटेड कोई भी इन्होंने नया कदम नहीं उठाया। मैं इसके बहुत ज़्यादा कड़ा खिलाफ हूँ और भाई प्रवीण चौधरी जी के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। वो कौन सी पार्टी से प्रत्याशी? देखिए वो आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन वो सबसे मजबूत कैंडिडेट है इस टाइम यहाँ पर क्योंकि जहाँ मैं मेरा सर्कल है जैसे मैं यूनिवर्सिटी से हूँ और वहाँ पर भी यूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करता हूं। आपने कहा आप यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में हो, विश्वविद्यालय में क्या यूथ जो नई जनरेशन है वो क्या सोचती है? यूथ देखिए यूथ की ना अब सड़कों से और नालियों से यूथ बिल्कुल दूर हट चुका है। उनको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए चाहिए, बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा सेटलमेंट हो MLA के साथ जैसे बिजनेस बढ़े, मतलब कि विकास की तरफ कुरुक्षेत्र नहीं गया कि नई चीज़ कुछ आ ही नहीं रही है कुरुक्षेत्र में, सिर्फ नालियाँ सड़कें ये सब इनसे काम नहीं चलेगा। और भाई प्रवीण चौधरी जी हैं जो उन्होंने यही उनकी जो स्ट्रेटजी है वो यही है। वो अपने भाषणों में मैंने उनका दो तीन बार भाषण भी सुना तो उन्होंने यही बोला कि ये सब हम ये राजनीति छोड़ेंगे गलियों की और सड़कों की और हमें बेरोजगारी से के विरुद्ध लड़ना है और जो उन्होंने बातें की वो बिल्कुल हमारे साथ हमारे हक की। तो इन्होंने देखा, आपने देखा कि यूथ आप ये कह रहे हैं कि प्रवीण चौधरी जी, बेटा क्या नाम है आपका? इधर खड़ो आप। हाँ क्या नाम है आपका? सुनील। अच्छा क्या हल्का कौन सा आपका? ये सर जिला कुरुक्षेत्र गाँव द्वारा। अच्छा तो आपके क्या लगता है आपको यहाँ पर इस एरिया में किसकी वेव लग रही है आपको? वेव तो ऐसा जी काम तो देखो कर रही है सरकार, काम तो बढ़िया है। अच्छा। सड़क बनने लग रही है, हमारा टाइम तो लगा हर चीज़ों में देखो जो सी बात है। ठीक है। तो आप क्या लगता है कि यहाँ पर आप पुराने MLA को रिपीट करोगे कि नया सोचोगे? देखो जी काम तो ठीक कर रहे हैं जो सी बात है। तो आप लगता है कि आप BJP विश्वास किस पे करें? BJP पे विश्वास है, बाकी तो कोई सरकार दिखती नहीं है। तो क्या नाम है आपका बेटे? सुनील है मेरा। सुनील जी ने एक बात कही है कि हमें विश्वास सिर्फ खंबे लगे हैं, डेवलपमेंट हुई है और हमें विश्वास BJP पर ही है। अच्छा जो आपके मौजूदा MLA है उनको आप 10 बजे कितने नंबर दोगे? हाँ जी मौजूदा MLA पूरे नंबर है मोदी की तरफ से। पूरे नंबर है, इन्होंने ये कहा कि पूरे नंबर है मोदी की तरफ से। अच्छा तो अब हम आगे चलते हैं और हमारे बीच में एक नौजवान और जुड़ गए हैं, रवि। रवि आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे आपका वोट बन गया? हाँ जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम डाल रहे हो क्या? पहले भी डाला है? नहीं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ मैं। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हो आप हमें बता सकते हो कि यहाँ पर जितने कैंडिडेट खड़े हैं MLA के तो आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि कौन सी वेव है क्या है? अब जैसा चल रहा है कि अब देखने को तो मिल रहा है कि शहर में काम भी हो रहा है। अब जैसे MLAs काफ़ी तरह के खड़े हैं यहाँ पर, मतलब सब हैं, अब कुछ कह नहीं सकते ना। अब जैसे मेरी फर्स्ट टाइम वोट डल रही है, अब मेरा सपोर्ट तो उसी को रहेगा ना जिसको, मतलब जिसको मैं जिसको देखेगा कि जो काम कर रहा है। अब जैसे काम किसका लग रहा है आपको? तो अभी तो देखो जैसे BJP काम कर रही है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सुधा जी हैं जो हमारे वो काम कर रहे हैं शहर में। अब लगता है कि वो इधर उधर काफ़ी जाते हैं, घूमते हैं तो कुछ ना कुछ करने के लिए घूमते हैं, वो ऐसे फ्री हो के तो घूमते नहीं, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको मिलना चाहिए। आप अपने MLA को 10 बजे कितने नंबर दोगे? 10 में से अगर मैंने मेरे को देने चाहिए तो I'll give 8। तो देखा रवि जो नौजवान है जिसने फर्स्ट टाइम वोट डालनी है उसने भी यहाँ के MLA को 10 में से 8 नंबर दिए हैं। और रवि जी आपका बहुत धन्यवाद आपका। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।